भारतीय जनता पार्टी की पांचवी लिस्ट में जैसे ही ग्वालियर पूर्व विधानसभा से माया सिंह को टिकट दिया गया, जिसके बाद जो सिंधिया समर्थक है मुन्नालाल गोयल उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। सबसे पहले रात को उन्होंने बारादरी चौराहे पर चक्का जाम किया। अब जयविलास पहले जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल है वहाँ पर घेराव की स्थिति है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। सर किस बात को लेकर आक्रोश है, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोगों की मांग ये है कि वास्तविकता ये है कि यहाँ पे जो पूर्व की सीट है इसमें हमारे गोयल साहब ने आज मेहनत कर रहे हैं, बराबर 3.5 साल से लगे हुए हैं और 3.5 साल से क्या, मतलब हमेशा मेहनत कर रहे हैं, संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं। तो जनता ये चाहती है कि भाई जो टिकट है वो गोयल साहब को मिले, और वास्तव सारे लोग ये चाहते हैं कि गोयल साहब को टिकट मिले, क्योंकि ये सीट निकलना होता है आ सकता है भाई, हमारी गवर्नमेंट तभी तो बन पाई एक सीट की, हमें एक एक सीट की आवश्यकता है और उस एक सीट को ये वाली सीट तो हम कहा तो गिफ्ट में दे रहे हैं इस तरीके से। तो जो लोग जनता के बीच में रहेंगे टिकट सीट पर निकालेगा, जनता के बीच में व्यक्ति नहीं रहेगा वो सीट कैसे निकल पाई। हमारे किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से विरोध नहीं है, हमारा विरोध ये है कि भाई जो व्यक्ति जनता के बीच में रहा है उस व्यक्ति को टिकट दो, जिससे कि सीट निकल के वो महाराज के नाम ऊँचा हो, हमारा महाराज का झंडा ऊँचा हो। अभी महल आए आप, काफ़ी नारेबाजी भी की है। नहीं तो नारेबाजी तो महाराज भाई महाराज के व्यक्ति हैं हम लोग, महाराज व्यक्ति मुन्ना भाई साहब हैं, हम लोग तो इसी बात की नारेबाजी कर रहे हैं भाई, महाराज के व्यक्ति हैं आखिरकार, हमारे महाराज हमारी सुने ही बता भाई सुने और मुन्ना भाई साहब टिकट दिलवाएं, ये कहते हैं टिकट कैंसिल करवा के। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुन्ना लाल गोयल के जो समर्थक है वो लगातार आक्रोशित है और लगातार जो नारेबाजी है वो करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जयविलास पैलेस पर हम खड़े हुए हैं, जो मुख्य गेट है उस पर ताला अभी लगा हुआ है, अभी तक जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो नहीं आए हैं मुलाकात करने के लिए, आक्रोशित वो भीड़ है उसके साथ में, कुछ और कार्यकर्ता है हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। की मांग कर रहे हैं आप? हम टिकट को बदलने की मांग कर रहे हैं और हमारी मांग जायज है। हम ग्वालियर पूरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ में, ये ग्वालियर पूरा विधानसभा की जनता भी है और जनता के दौलत पर राज करते हैं आदरणीय मुन्नालाल गोयल जी, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो पिछले 10 साल से निष्क्रिय है, कोई सक्रियता नहीं है, कोई कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं, कोई क्षेत्र की जनता से संवाद नहीं। आदरणीय गोयल साहब पिछले 30 वर्ष का उनका जीवन काल रहा है राजनीतिक, पिछले लगभग 30 साल से लोगों के बीच में जाने का काम है, सुख दुख में पहुँचने का काम है, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे आम जनता हो, आदरणीय गोयल साहब प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखते हैं। कौन प्रत्याशी इसका विरोध कर रहे हैं? माया सिंह जी का निश्चित तौर पर माया सिंह जी का टिकट हुआ है ना पूरब से, हम माया सिंह का विरोध कर रहे हैं। तो अभी आप सिंधिया महल पर खड़े हैं तो किस तरीके की बातचीत हुई? महाराज से अपनी चर्चा करने आए हैं, महाराज से अपनी चर्चा करने आए हैं और अपनी बात रखेंगे महाराज के सामने। अगर महाराज माया सिंह जी का टिकट कंटिन्यू रखते हैं तो हम लोग विरोध करेंगे, माया सिंह इस्तीफा देंगे, हजारों हजार लोग इस्तीफा देंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक हजारों कार्यकर्ता यहाँ से इस्तीफा देगा। ग्वालियर पूर्व ये थे मुन्ना लाल जो गोयल है सिंधिया समर्थक, उनके जो आक्रोश है टिकट वितरण के बाद लगातार नाराजगी अपनी दिखा रहे हैं और सिंधिया महल पर लगातार सिंधिया जी से मिलने की मांग कर रहे हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।